ठीक हो? ठीक हो सुमन बेटा, तू ठीक है ना? अगर जरा भी कुछ नहीं चाचू, वो पहले शायद कमजोरी फील हो रही थी, इसी वजह से चक्कर आ गए थे, अब ठीक हूँ। चलो कोई बात नहीं बेटा। विक्रम, सबका मुंह मीठा करवाते हैं, ये लो, सबसे पहले सुमन का। सुमन, ये मीठा खा लो, बेटर फील करोगे। खा लो बेटा। ओके चलिए, अब सारी रस्में शुरू करें। ओके नहीं, पहले एक फैमिली फोटोग्राफ। ओके अनुज, फोटो तब तक नहीं खींचना जब तक स्माइल ना करे सब। ओके सुमन, तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही है। नहीं, वो एक्चुअली कैमरे का फ्लैश बार बार चमक रहा है ना, तो आंखों में बहुत लग रहा है। भैया, मुझसे बेटर आप जानते हो कि तिवारी इसके घर पे आपको देख के ताऊ जी को कैसा लगेगा, कितना नाराज होंगे वो, ये सब जानते हुए भी आप वहां जाना चाहते हो। जब पापा को जरूरत थी मैं उनके साथ खड़ा था ना, लेकिन सुमन को मेरी जरूरत है। अब दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत मुझे जाने से रोक नहीं पाएगी। भैया, दिलों के प्यार की है ये दास्ता, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, नीलों की थी दूरियां जो दरमिया, श्रवण, श्रवण, पंटी ने बताया था कि तुम्हें कंटोनमेंट में कोई जरूरी काम था, तो हमें तो लगा तुम आ ही नहीं पाओगे। दोस्त की सगाई में आने से बड़ा काम क्या हो सकता है? तूने फिर दिल जीत लिया यार। यही तो चाहता था मैं भी, खुश हूं कि मैं यहां पे आया। श्रवण, प्लीज थोड़ा साइड हो जाओगे, डोंट माइंड। हाँ, एक्चुअली हम सब फैमिली फोटोज क्लिक करवा रहे हैं। आज अगर तुम नहीं आते ना मियाँ, तो कसम से हमारी फ्रेंडशिप का ना दी एंड हो जाता, और तुमको ना जिंदगी में कभी माफ नहीं करते हम। आज अगर मैं यह नहीं आता ना बंटी। अब मेरे साथ ओके, मैं बीच में आ रहा हूं। तो कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। खैर अभी ये सब छोड़ो और ये बताओ कि प्लान क्या है आगे का। यार, कुछ भी करने से पहले मुझे सुमन से बात करनी होगी। ओके, अब तुम दोनों की। पर यहां कैसे बात करूंगा यार,
अरे तुम्हारे भाई है हम, ठंड रहो, कोई जुगाड़ लगाते हो। जान तो तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर है मियाँ, पर आज जो तुम हमको प्राउड फील करा दियो ना, इब देखो कैसे तुम्हारे प्यार की नैया पार लगाते हैं हम। ले बेटा पहना दे बहू को अंगूठी। अब सब कुछ तेरे हाथ में बंटी, विक्रम बस सुमन को रिंग पहनाने ही वाले हैं, जल्दी से कुछ करे यार। तुम्हारी तो हमारे साथ बहुत पुरानी दोस्ती है बोर्ड मियाँ, हमारे श्रवण में और सुमन के प्यार के लिए ना एक बंटी मियाँ की तरफ से छोटा सा गिफ्ट। अंगूठी गिर गई। ऐसे कैसे अंगूठी गिर गई? उसने जान के थोड़ी गिराई है। लाइट को क्या हो गया? सुमन मुझे तुमसे बात करनी है। ओके। कंचा, सुन मुझे ना रेस्ट रूम जाना है, मैं बस अभी आती हूँ। okay? अच्छा मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं तू प्लीज यहाँ रहकर एंगेजमेंट रिंग ढूंढ, मैं अभी आ रही हूँ। ध्यान से जाना। मुझे तो सच में समझ में नहीं आता श्रवण, तुम एक आर्मी ऑफिसर हो, लेट कैसे हो सकते हो? आज भी लेट। माफ कर दो सुमन, वो ऑफिसर होने के साथ एक जेंटलमैन भी हो ना, अभी आते वक्त ना वो रस्ते में मुझसे। रस्ते में क्या श्रवण, कोई मिल गया, किसी ने रोक लिया, या फिर तुम घर का रास्ता ही भूल गए? कब तक ऐसे बहाने बनाते फिरोगे श्रवण? बहाना नहीं बना रहा, सच बोल रहा हूँ सुमन। वो भी आते वक्त ना रस्ते में एक आंटी की साड़ी पे चटनी गिर गई थी, तो उन्हें टिश्यू पेपर देने के चक्कर में मैं वहां पे। माफ कर दो। Are you serious? तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम आओगे नहीं आओगे कुछ नहीं पता, और फिर आने के बाद तुम किसी टिश्यू पेपर और चटनी के चक्कर में उलझ जाते हो? कैसे इंसान हो तुम? जब आंख बंद करता हूँ तो तुम दिखती हो, पास ना हो तब भी तुम दिखती हो। अगर तुम नहीं तो मैं आया किसके लिए हूं? फिक्र मत करो, हम आ गए हूं नया। और कब आए? जब विक्रम मेरे सामने एंगेजमेंट रिंग लेके खड़ा था तब। तुमसे क्या ही कहूं श्रवण, तुम्हें ना ठीक से जाना आया ना ही ठीक से वापस लौटना आया। तुम आ तो गए हो श्रवण, पर तुमने बहुत देर कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे यार ये अंगूठी तो गायब ही हो गई। अरे आखिर ये अंगूठी गई कहाँ? नमरू
यहाँ पे अंगूठी हम लोग ढूंढते हैं, तू जाके देख के अचानक फ्यूज कैसे उड़ गया। जल्दी जा, जा भाग। प्यार के मामले में हम दोनों बिल्कुल एक जैसे, चाहे वो देश के लिए हो या एक दूसरे के लिए। हम फौजी हैं सुमन, जब तक हम मरते नहीं ना तब तक थकते नहीं है, आखिरी सांस तक उम्मीद नहीं छोड़ते। मैं सब ठीक कर दूंगा सुमन, सब ठीक कर दूंगा, क्योंकि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, हमेशा से तुमसे करता हूं, और सिर्फ सिर्फ तुम ही से करूंगा हमेशा। आई लव यू सुमन। आप तुमको दोगे मेरा साथ? बहुत भाग लिए, लड़ लिए, छुप लिए लोगों से, पर बस एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। जब तक तुम मुझसे कुछ कहोगी नहीं ना कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मेरे सब अंदाजा सुमन, बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, बस एक बार। साथ पीछे मत रखना सुमन। क्या कर रहे हैं शवर? जिंदगी को गले लगा रहे। मुझे नीचे जाना पड़ेगा, अगर उन्हें एंगेजमेंट रिंग मिल गई ना तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, रिंग किसी को नहीं मिलेगी। कैसे पता? रिंग तुम्हारे पास कहां से आई? बस आ गई। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से अपनी लाइफ को अपनी लाइफ से जाने देता? तुम चलो, मैं आता हूं। परेशान मत होना सुमन, अब वही होगा जो हम दोनों चाहते हैं। क्या बात है यार, आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आया। अब ये कौन सा श्रवण है? कितना भी जान लो इसे, पूरी तरह से तो शायद फिर भी ना जान पाऊं। क्या सोचता है, क्या करता है, कभी समझ ही नहीं आता।
श्रवण, लो विक्रम पहनाओ सुमन को। हाथ आगे तो बढ़ा रहे हो डियर जीजू, पर थामने से पहले सोच ही ना कि उम्र भर के लिए है। सोच लो। सोच लिया है साली साहिबा। क्या हुआ? पापा आप यहां? और कहां जाऊं, कोई जगह बची ही नहीं है जहां तेरा बाप बिना मुंह छुपाए जा सके। तो मैं यहां पहुंचा हूं और देख रहा हूं कि जिस बाप का ऐसा बेटा हो वो बाप तो इससे भी ज्यादा गई गुजरी जगह पर पाया जा सकता है। पापा आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो ना बस चुप। गलत तो मैं तुझे तब समझ रहा था जब मुझे चिंता हो रही थी कि मेरा बेटा जख्मी है, अकेले इलाज करा रहा है भोपाल में, लेकिन यहां तो तेरा कोई और ही प्रोग्राम चल रहा है। मैं पहले तुझे नालायक कहता था, पर जिस दिन मुझे पता चला कि तू यहां इनके घर में रह रहा है, ये जिन्होंने जेल की कोठरी को मेरा घर बना दिया था, उस दिन मैं समझ गया कि कैप्टन श्रवण बहुत ही कमजोर आदमी है, कि उसके लिए किसी बचपने की अहमियत अपने बाप से भी ज्यादा है। वो आदमी मेरा बेटा तो नहीं, मेरा दुश्मन ही हुआ ना। पापा पैसे मत कर, दूर रह तू मुझसे। बाप का ख्याल नहीं आया तुझे कभी भी? जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए था वो हुआ तेरे बाप के साथ। तब भी तूने नहीं सोचा कि बाप कैसा है मेरा, कैसे जी रहा है वो। पापा, पापा हम घर चल के बात करते हैं, यहां मेहमान आए हुए हैं ना। ओ शाबाश बेटा, शाबाश। बाप की तकलीफ नहीं दिख रही है पर तुझे मेहमानों की ज्यादा फिक्र हो रही है। श्रवण ये उनके मेहमान है, उनके, जिनकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है, जिनकी वजह से सालों साल तेरा बाप जेल में सड़ा है, जिनके घर में रहकर तू रिश्ते सुधार रहा था ना, उस घर के लोगों की वजह से
उस तिवारी परिवार की वजह से मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। सुनिए, बात बीच में गए ना तो बात और बढ़ जाएगी। इस वक्त हमें सिर्फ सुमन के बारे में सोचना है। आज उसका शुभ दिन है, कोई तमाशा नहीं चाहिए। प्लीज पापा चलिए। जिस घर का कालीन भी गिराने में पीछे नहीं हटता, वहां तुझे अपने बाप की लाठी बनना चाहिए था। पर इतना खुशनसीब मैं कहां, मेरा बेटा तो अपने बाप को नहीं इन लोगों को सहारा देने में लगा है। I love you, Suman. I love you, Shravan. I love you. I love you. परेशान मत होना सुमन, अब वही होगा जो हम दोनों चाहते हैं। I love you, Suman. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.